हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सुमित जयपुर व्लॉग। तो यार दोस्तों, आपको मालूम है हम आगरा हुए थे, आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। हम आगरा आए हैं और ताजमहल नहीं दिखाएं, ऐसा हो सकता है कि व्लॉग में। तो यार हम ताजमहल पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो पीछे, इसकी जो तो पीछे वाला गेट है अंदर इसके साइड, उसमें है ताजमहल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं ताजमहल की साइड पे। और ताजमहल की तो आपको पता होगी कि शाहजहां ने बनाया था मुमताज महल के लिए, ये तो पता होगी आपको, पता चलेगी इस वीडियो में, इंपॉर्टेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अंदर। तो यार दोस्तों, हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो कुछ अलग प्रकार से होने वाली है, आप इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि हम हर चीज़ जो हमारे व्लॉग है वो अलग प्रकार से होते हैं, अलग टाइप से होते हैं। जो हमारे फैक्ट्स हैं वो भी अलग प्रकार से होते हैं, जो जेन्युइन अलग चीज़ बताते हैं। तो बस वीडियो में, और हमने जिस टाइप से वीडियो बनाई है उस टाइप से आपको वीडियो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी हमारे चैनल के अलावा। ये मैं बता दूँ, आप सर्च करके भी देख लेना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी नहीं, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है। गाइस, अपन आ चुके हैं आज ताजमहल, जो कि सात अजूबों से एक है, जो कि दुनिया में सबसे बहुत ही बहुत ही बहुत ही कीमती है। इसके अलावा दूसरा कोई ताजमहल नहीं बना आज तक, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। इसकी खास व्यवस्था दोस्तों, हम जिस हम गेट के सामने खड़े हैं वो नीचे से सकड़ा है, ऊपर से बड़ा, मतलब वी शेप में, ये जो है वो वी शेप में आप देख सकते हो आप, क्योंकि वी शेप में इसलिए बनाया क्योंकि अगर इसको पास से, क्योंकि इसको अगर पास से बनाते, मतलब इसको सेम बनाते तो इसको देखने पर ऐसा लगता कि जो ताजमहल है इसका गेट है वो छोटा है, इसलिए इसको नीचे से छोटा और ऊंचा से चौड़ा बड़ा होता है। इसके ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर वो पिलर्स देख रहे हो आप, तो वो पिलर्स इसके बनने की निशानी है कि कितने साल में बना ये। ये पिलर्स देख रहे हो बीच में, 11 सामने 11 पीछे, 22 पिलर्स हैं टोटल ये दोस्तों। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 11 पिलर्स लिए हैं, कि जब भी ये इसका काम कम्प्लीट होता हल्का सा तो एक पिलर लगा देते, दूसरा काम कम्प्लीट हुआ तो एक पिलर लगा देते, तो ऐसे करके ये 22 साल में कम्प्लीट होता, 22 साल के लिए पिलर लगाया है इसमें। और दोस्तों आप इसको देख रहे हो, ये है बिल्कुल सेंटर में, और सेंटर से ऐसा लग रहा है बिल्कुल ये फ्रेम किया हुआ है ताजमहल। ठंडा है तो ठंडा। और गाइस, आप उसके अंदर ऊपर ये जो देख रहे हो, ये वाइट, ये जो फूल बने हुए देख रहे हो आप, इसके अंदर ही ओरिजिनल जेम्स हैं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करते हैं। ये जेम्स देख रहे हो आप, ये सारा पूरा ताजमहल बन जाएगा आपको वाइट के अंदर। ये जेम्स है, ये जो आप देख रहे हो फूल, ये जेम्स है दोस्तों। तो गाइज, ये जो होने वाला, ये जो है ये ड्रम है, दो साइड हैं, एक तरफ म्यूजियम बना दिया और एक तरफ इसको क्लोज कर दिया है। तो ये म्यूजियम बनाया उसके अंदर आप जो ताजमहल का जो भी छोटा मोटा टुकड़ा खराब हुआ होता है वो इन म्यूजियम में रख दिया जाता है। और मैं देख पा रहा हूँ इसको, मतलब जो रियल में जो हम देख रहे हैं ना, इसको रियल में देखने का अलग मज़ा है इसका, और फोटो और वीडियो में देखने का अलग मज़ा है, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे ना तो ही आप ये चीज़ है ना रियलाइज कर पाओगे आप यहाँ पे आओगे तो, क्योंकि रियल देखने में कुछ अलग ही है। तो गाइज, इस खूबसूरत इमारत को बनाने के लिए कम तकरीबन माना जाता है कि 20,000 वर्कर लगे थे इस खूबसूरत, इस आलीशान, इस अजूबे को बनाने के लिए 20,000 वर्कर लगे थे। उनके लिए 210 कमरे बनाए गए थे, क्योंकि यहाँ आगे और कुछ पीछे हैं, देख सकते हो आप, कुछ यहाँ और इसके पीछे हैं। पहले क्या हुआ था, पहले गेट नहीं हुआ करते थे दरवाज़ों के अंदर, पर्दे हुआ करते थे, तो पर्दे होते थे तो आपको दिखेगा कि ये सिर्फ बिल्डिंग है, बट ये एक्चुअली गेट वगैरह हुआ करते थे, इनमें बकायदा पर्दे वगैरह करते थे, वर्कर यहाँ पर रुका करते थे। 22 रूम मैंने बता दिया, 22 साल कंप्लीट इसके अंदर आपने, मैंने उस गेट में बताए थे। और इसके अंदर ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर वो जो नक्काशी हो रही है, ये जो गेट के ऊपर, जस्ट गेट के ऊपर जस्ट नक्काशी हो रही है, फूल वगैरह बन रहे हैं, ये ब्लैक ऑनिक्स था जो कि बहुत महंगा है, जो कि सोना जो होता है, सोने को चेक करने के लिए जो होता है ब्लैक सोनेस, इससे बेल्जियम से मंगाया गया था खास इसको नक्काशी के लिए। और इसके ऊपर जो आप ये डोम के ऊपर आप जो ये वो ये जो पीतल का, ये पीतल ब्रास का, ये अब ये देख रहे हो, ये उस टाइम पे गोल्ड का हुआ करता था। इसकी अलग बात आपको इतनी दिख रही होगी, बहुत कम दिख रही होगी ना दोस्तों, पर इसकी जो लंबाई है ओनली पीतल के, इसकी लंबाई जो है वो है 31 फिट, मतलब 11 मीटर। आपको आओगे तो आपको ये छोटा लगेगा, बट ये छोटा नहीं है, 11 मीटर लंबा है, 31 फिट इसकी हाइट है। और इसके आप ये मीनार जो देख रहे हो चारों, ये चारों मीनार जो है, तभी अगर भूकंप वगैरह कुछ भी आएगा तो ये बाहर की साइड, बाहर की तरफ रहेंगे, मतलब बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरेंगे। जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि जब भी कुछ भी हादसा वगैरह हो, कुछ भी भूकंप वगैरह आए, तो ये बिल्डिंग के चारों मीनार बाहर की तरफ गिरेंगी। मैं आपको बता दूँ कि ये रियल में अजूबा ही है, मैं बार बार रिपीट इससे कर रहा हूँ, बाकी में मतलब फ़ोटो से देखने से, वीडियो में देखने से कोई मतलब आप वो नहीं जज नहीं कर पाओगे, लेकिन आप वास्तव में यहाँ पर आके आप विजिट करोगे, उसको देखोगे, तो वाकई में शाहजहां ने वाकई में ये चीज़ बनाई है, देख सकते हो आप,
बाकी अद्भुत है बिल्कुल, एकदम क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब देखते ही एकदम वो हो गया मैं एकदम मस्त। ये वाइट संगमरमर का बना हुआ है, राजस्थान का मकराना मार्बल से आया हुआ था, राजस्थान का मकराना जो था जगह है वहाँ से मार्बल आया हुआ है, वाइट मार्बल से पूरा संगमरमर बना हुआ है। ऐसे जो गेट है आपको यहाँ पर ऐसे चार गेट मिलने वाले हैं, चार गार्डन मिलने वाला है इसके पास। इससे पहले आप जैसे एंट्री करोगे तो आपको चार गार्डन मिलेंगे और ये चार गेट भी मिलेंगे आपको इस तरह के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलते थोड़ा अंदर आते हैं, आ जाओ। ये जो लाल बालू पत्थर देख रहे हो आप, ये फतेहपुर सीकरी से लाया गया है। जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ का सेंटर पॉइंट है, गेट से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से ताजमहल की दूरी बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ पर आप देखते हो इधर सेंटर में दोनों साइड दो बिल्डिंग है, इधर भी एक बिल्डिंग है। ये दोनों जो बिल्डिंग है दोनों गेस्ट हाउस है। उस टाइम पर जब शाहजहाँ के मेहमान आया करते थे तो वो इन दो बिल्डिंगों में रुका करते थे, खास जो मेहमान हुआ करते थे तो वो इन दो बिल्डिंग में, इधर एक बिल्डिंग है इधर बिल्डिंग है जो बंद कर दी है इनमें रुका करते थे। और एक और बात बता दूं मैं आपको, ये शाहजहाँ ने बिल्ड करवाया था अपनी मुमताज महल के लिए, मुमताज बेगम के लिए, जो उसको जो उनको वो बहुत प्यार करता था। मुमताज ने शाहजहाँ के सामने दो शर्त रखी, एक तो उनके मरने के बाद वो दूसरी शादी नहीं करेंगे, दूसरी शर्त रखी कि वो इस दुनिया में एक ऐसा वजू बनाया, ऐसा वजू बनाया जो पूरी दुनिया उसको देखे, तो उसके लिए ये उन्हें वजूहा ताजमहल बनाया। तो ये जो ताजमहल है 1631 में स्टार्ट किया था और 1653 में इसको ख़त्म किया। ये सातवां अजूबा है दुनिया का और ये आपको सेवन वंडर्स कोटा में भी दिखेगा जो हम जाने वाले हैं। टोटल इसमें यहाँ पर 16 फाउंटेन, 16 गार्डन है, ऐसे देख रहे हो आप ये गार्डन है इस तरह, टोटल यहाँ पर 16 गार्डन है और इस तरह फाउंटेन दिख रहे हैं, फव्वारे दिख रहे हैं और टोटल 53 फव्वारे हैं पूरे इस ताजमहल के अंदर, देख सकते हो आप। यहाँ पर रोज़ जासमीन की खुशबू आया करती थी जब उस टाइम शाहजहाँ यहाँ रहा करते थे। इसमें पानी में रोज़ का परफ्यूम वगैरह डाला जाता था और सुगंधित करते थे, तो सुगंध आती रहती थी यहाँ पर हमेशा। ये फ्लावर वगैरह बाद गए हैं, इसमें जासमीन रोज़ और भी खुशबूदार फूल हुआ करते थे यहाँ पर, इसमें खुशबू आया करती थी। तो ये जो मुमताज महल जो थी उनके लिए ये बनाया गया ताजमहल। तो उनका पूरा नाम था अर्जुन मंद बानो बेगम, इनका पूरा नाम था मुमताज जी का, जो कि शाहजहाँ की बहुत ही प्रिय वाइफ हुआ करती थी। एक बात और मैं बता दूं आपको ताजमहल के लिए कि जो ताजमहल जिसने बनवाया वो, और जो मुमताज महल, सॉरी पहले मुमताज महल बताता हूँ, मुमताज महल जो थी वो ईरान की थी और जो ताजमहल जो बनाया उसका भी जो डिज़ाइनर जो था इसका, ये ताजमहल को जो बिल्ड करने वाला था वो भी ईरान का ही था। जो इस ताजमहल को जो डिज़ाइन कराया वो उसका नाम था मोहम्मद ईसा अफलदीप जो थे, जो इस ताजमहल को उन्हें बिल्ड करवाया। आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि जिसने ताजमहल बनवाया उनके हाथ काट दिए थे, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाथ काट दिए। एक्चुअली जो मोहम्मद ईसा अफजल जी थे उनसे बॉन्ड साइन करा दिया देखा था, जैसे बॉन्ड जो होता है वो साइन कराया था कि वो ऐसी बिल्डिंग दोबारा कभी नहीं बनाएगा जीवन में, तो इस तरह कुछ बॉन्ड साइन करवा दिया था, उसको हिंदी में बोलते हैं कि हाथ कटवा दिए थे। तो इसका ये रहस्य ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सोचते हो कि इसका हाथ कटवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उनके बॉन्ड साइन करवाया था कि दूसरी ऐसी बिल्डिंग कोई दुनिया में कभी ये नहीं बनाएंगे। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो आप इधर सामने, ये वही बिल्डिंग है जिसमें उनका गेस्ट हाउस हुआ करता था उस टाइम पर, जो गेस्ट रखा करते थे दोनों साइड है, वो रही एक गेस्ट हाउस की बिल्डिंग, ये रही दोनों, ये थी। ये चांदनी रात में अलग तरह का दिखता है, सुबह इस पर धूप पड़ती है तो ये अलग तरह का दिखता है, शाम को अलग तरह का दिखता है और दोपहर को देखोगे तो ये कुछ आपको अलग तरह का दिखेगा ताजमहल। और चांदनी रात में इसमें इसे पीछे यमुना नदी है, उसके पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। शाहजहाँ ने अपने लिए ब्लैक ऑनेक्स का मार्बल बनवाना चाहा बट उनके और बेटे औरंगजेब ने उनको किडनैप कर लिया था, मतलब उनके ही घर में लाल किले में कैद कर लिया था, जिससे इसका कैद करने का कारण भी था दोस्तों, कैद करने का कारण ये था कि जो ब्लैक ऑनेक्स है, जो ब्लैक ऑनेक्स जो सोने को तराश तो सोने को पता लगाने का पत्थर जो होता है वो जो सोने सुनार का होता है वो कम से कम तकरीबन 1000 से 1500 रुपये का होता है। अब वो तो उसका पूरा इस तरह का महल बनवाना चाह रहा था, तो सोचो गाइस वो कितना सारा पैसा उड़ा देता। वैसे भी वो ताजमहल को बनाने के चक्कर में बहुत सारा धंधौलत उठा दिया था, तो औरंगजेब ने सोचा अगर वो पूरी धंधौलत उठा देगा तो उसकी आने वाली पीढ़ी क्या खाएगी कैसे रहेगी, इस चक्कर में औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंद कर लिया था आगरा फोर्ट के अंदर, जो कि हम आपको वहाँ भी ले जाएंगे। तो आप ये देख सकते हो ये मेरे लेफ्ट साइड में ये मस्जिद है, यहाँ पे आज भी नमाज़ पढ़ी जाती है, कल शुक्रवार था, कल हम आते पर ये कल बंद था क्योंकि मस्जिद के कारण यहाँ पर ये इसको बंद रखते हैं, चक्कर हम कल आए नहीं यहाँ पर। ये तो मस्जिद देखते हो अब, ये ताजमहल देख रहे हो चारों तरफ से एक जैसा ही दिखेगा आपको, इसके चारों गेट से सेम दिखेगा। ये देख सकते हो यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसके अंदर जो भी पत्थर जो भी कुछ भी निकल जाता है
वो म्यूजियम में रख दिया था। आप जैसे कि देख रहे हो, मैंने आपको पहले बता दिया था। और आप ये नीचे यहाँ देख सकते हो, ये सीढ़ियाँ हैं, शायद यहाँ तक हो सके मुझे सीढ़ियाँ हैं। ये सुरंग है, ये सुरंग जाती है ये लाहौर पाकिस्तान और एक लाल किले में ये खुलती है, लाल किले में खुलती है। इसलिए बनाई गई थी जिससे कभी भी कोई राजा को परेशानी आए तो वो यहाँ से निकल सके इजीली। और ये देख सकते हो यमुना है, ये यमुना के यहाँ पर बना हुआ है गाइस। ये यमुना के यहाँ पर इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसमें ये जो ये ताजमहल है यहाँ पर बहुत सारा पानी सोखता है, इसकी जो नीचे की बिल्डिंग है बहुत सारा पानी सोखता है। इसी के सामने यमुना का, रात को आप चांदनी चौक देखोगे इसमें यमुना के अंदर प्रतिबिंब दिखेगा इसका बिल्कुल ऐसे कैसा। और इसी के सामने आप ये देख रहे हो मेहताब गार्डन है, साझा चाहता था, ये मेहताब गार्डन है, ये सामने देख रहे हो आप, ये मेहताब गार्डन है, साझा चाहता था उसके लिए भी ऐसा ही एक मकबरा बना है जो कि ब्लैक ऑनेक्स पत्थर का बनेगा, जो बेल्जियम का था पत्थर। तो इसी के अंदर वो उधर से देखे तो काला ताजमहल, इधर देखे तो वाइट ताजमहल, ये दोनों का प्रतिबिंब यहाँ पे इसने सोचा था साझा ने। ये बहुत सारा पानी सोखता है दोस्तों। आपको ये गुंबद जो दिख रहा होगा, ये चारों तरफ ऐसे गुंबद है, इसके पीछे भी उधर एक गुंबद है ऐसा। तो माना जाता है कि ये ताजमहल है, बहुत ही किसी को कम लोगों को पता है कि ये ताजमहल है। वो पर्टिकुलर यहाँ पर कोई पहले यहाँ पर कोई पर्टिकुलर बेस का पर्टिकुलर बिल्डिंग हुआ करती थी, उसके ऊपर ये ताजमहल बनाया गया। क्योंकि चारों तरफ अगर ऊपर से अगर आप ड्रोन शॉट देखोगे तो चारों तरफ आपको ऐसा रेड कलर के गुंबद मिलेंगे चारों तरफ, और उसके ऊपर बीच में आपको रेड ये वाइट कलर का मकराना ताजमहल मिलेगा। तो इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है कि ये यहाँ पर ऐसे ही नहीं बनाया था, पहले किसी ने साझा ने इसको किसी से ख़रीदा था इस जगह को। उसके ऊपर कोई जगह माना जाता है कि इसका कोई मंदिर वगैरह है, ऐसा मुझे नहीं पता, पर माना जाता है यहाँ कोई मंदिर वगैरह है। उसके नीचे यहाँ पर उनके पिलर्स वगैरह भी पाए जाते हैं। यहाँ पर एक गेट भी था पहले यहाँ पर नीचे, इधर वो बंद करा दिया आजकल आपको नहीं। जो ताजमहल है ये किसी पर्टिकुलर मंदिर या पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग यहाँ पर हुआ करती थी, उसके ऊपर बनाया गया। ये साझा की खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, इसने खरीदी थी उसके बाद यहाँ बनाया था। गाइस आप ये देख रहे हो, ये जो पत्थर मैं दिखा रहा हूँ ये सिंगल पीस पत्थर है, बाद में इसको रिनोवेट करके जो टूट गया है उसको हटा दिया गया था, हटा के दूसरा डबल पीस पत्थर लगा दिया है। बाकी उस टाइम जो था ये सिंगल पीस पत्थर हुआ करता था। और हमने पहन लिए शूज़ के अंदर ये आप आए तो ज़रूर लेना, क्योंकि ये शूज़ उतारने पड़ेंगे। ये जो है ये कुछ कवर है, शूज़ कवर लिए 20 रुपये के 5 ये लिए हमने, बाहर से लेना, बाहर से आपको सस्ते पड़ा के दे सकते हो। और लालू आया हमारे संग, लालू हाय कर दो। और ये भाई आया हमारे संग, भैया सचिन भैया। ये जो आपको मिलेगा ये इस पर लकड़ी कर रखा है जिससे इसकी जो दीवार ये इसकी छिड़कियाँ हैं उनके ऊपर रस्ट और ये पी लेना पड़े, इसलिए इसमें ये लकड़ी लगाई हुई है। ये देख रहे हो ये ओरिजिनल जेम्स हैं, ये सोने से भी महंगे हैं। तो ये जो बना हुआ है ये यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है, देख सकते हो आप नीचे यमुना नदी है, नीचे सफाई से नीचे गार्डन है। और इसको चारों तरफ से आज ताजमहल देखोगे तो एक तरफ से दिखेगा, ये फ्रंट है ताजमहल का, इधर से देखोगे तो ये फ्रंट है। और आप चारों तरफ से कहीं से भी देख लो ऐसा ही दिखेगा ये, बल्कि बस ये बताने के लिए लाया हम यहाँ पर ऊपर हम कि ये यमुना वाला जो पार्ट है यहाँ से फ्रंट पार्ट दिखता है इससे, ये फ्रंट है, बाकी अपन जैसे से घुसते हैं वो बैक पार्ट है इसका। तो गाइस ये जो पिलर है एसिड रेन के चक्कर में और काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होने के चक्कर में ये पीला हो गया था, इस पर रिनोवेशन काम चलता रहता है। और इसको पीले से बचाने के चक्कर में इसको काफ़ी सारा सरकार का जो अपन से टैक्स वसूल करती है उसके पैसे यहीं पर इन चीज़ों पर ही और सरकार लगाती है। इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आपको कि ये जो बोलते हैं कि जितना इसकी इतनी ऊँची ऊँचाई है उतना ये नीचे डीप है, इसको इसके नीचे 55 कुएँ बने हुए हैं जो ऑलरेडी पानी से भरे हुए हैं, जो कि साल की लकड़ियों से बनाया हुआ है, जो कि ये जो पानी यमुना का पानी जो इसको सोखती है सारी लकड़ियाँ, जो इसलिए बनाया था ये कि जिससे इस ताजमहल में छोटा मोटा भूकंप आए तो इस बिल्डिंग का कुछ नहीं बिगड़े। और ये ऊपर जाने के लिए हमें रास्ता मिल गया एक, जैसे कि आप देख रहे हो बट ये बंद है, मीनार का रास्ता है ये, इसको सफाई करने के लिए ऊपर चढ़ने के लिए दिया हुआ है ये रास्ता। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसके अंदर नीचे एक गेट था पहले, जो कार्बन डेटिंग से उस लकड़ी का उस गेट का परीक्षण रिसर्च किया गया तो देखा गया कि वो लकड़ी का जो टुकड़ा था जो गेट था वो इससे ताजमहल बनने से 400 साल पहले की वो लकड़ी का टुकड़ा था। बाकी बोलते हैं कि नीचे इसके अंदर मंदिर के कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ पिलर्स वगैरह मिले, बाकी अब मुझे नहीं पता, लोग बोलते हैं ये सारा जो उन्होंने बताया सारा लोग बोलते हैं, बाकी
आपको कुछ पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी और यार मैं ताजमहल के ऊपर हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे भीड़ देखो दोस्तों, इतनी भयंकर भीड़ है, इतनी भयंकर भीड़ है, बहुत भयंकर भीड़ है, बहुत भयंकर भीड़ है यहाँ पे यार। गाड़ी मिलेगी यहाँ पे आपको, इनकी रेट पूछिए मैं बताता हूँ आपको। गेट तक के लेती 10 रुपये, तो बहुत सही है, अगर आप आओ तो यूज़ कर सकते हो 10 रुपये में, कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप पैदल जाओ तो ही बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पैदल अगर आप क्या है घूमने आते हो, तो इसलिए घूमने आते हो, पैदल जाओ तो बहुत बढ़िया है। और मैं आपको एक बार बता दूँ, यहाँ पे आप आओगे ताजमहल के अंदर जाने के लिए आपको टोटल जो कॉस्ट है आपको 250 रुपये देनी पड़ेगी, ओनली टिकट के लिए, ओनली टिकट के लिए 250 रुपये देनी पड़ेगी, 50 रुपीज़ अंदर जाने का, लेकिन जो ऊपर जाने का चार्ज है वो है 200 रुपये, इस टाइम चल रहा है 200, और बाद को भी पता नहीं बाद में बढ़ता है या घटता है, और इस टाइम जो टिकट का प्राइस है वो है 45 रुपीज़, वो जो स्कैन से होता है, इस टाइम जो वो है टिकट का सीन, वो क्या है गवर्नमेंट ने वो स्कैन से कर दिया, जो कि पेटीएम से स्कैन होगा वो 45 रुपीज़ का, 40 आपको अकाउंट से कटने पड़ेंगे पेटीएम से। और मैं एक बात बता दूं कि जो यहाँ पे और भी डोलते हैं लोग बाग, तो वो बोलते हैं कि वैसे टिकट है 45 का, लेकिन वो लेते हैं 60 रुपीज़, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर लेना, वैसे अगर आप पेटीएम चलाते हो तो आपको वही टिकट मिल जाएगा 45 रुपीज़ का, और टोटल मिल जाता है आपको 250 का, आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप कर लेना। और यार आपको इस तरह से मतलब इस तरह की लोकेशन मिलने वाली, लोकेशन मतलब आपको इस तरह का रोड मिलने वाला है, ये जो रोड है ये मेरे को पता नहीं कौन सी साइड का रोड है, लेकिन यहाँ से घुसने के लिए चार गेट यहाँ से घुसने के लिए 4 गेट हैं, जो आप कहीं से भी घुस सकते हो यहाँ पे, मतलब ये जो है ना काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आप देख लो। हम मेन गेट से घुसे थे, मेन और हम जो घुसे थे वो मेन गेट से घुसे थे, पश्चिमी गेट से, वेस्ट। तो यार दोस्तों मुझे उम्मीद है ताजमहल वाला व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इंटरेस्टिंग से वो किया होगा, क्या कहते हैं इसको, इंजॉय। तो ये जो था 7वां अजूबा था, आपको सबको मालूम है इसके बारे में, अगर जो नहीं जानता होगा वो तो बेकार ही है मतलब। तो इस व्लॉग को ही एंड करते हैं, इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कल सुबह मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, और इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी आपको एजी स्वाई के नाम से, नीचे की साइड फॉलो कर लेना, इनसे नोटिफिकेशन मिल जाती है, इंस्टाग्राम पे आपको जल्दी पता चल जाए कि हम खाने आने वाले, खाके ब्लॉग आने वाले हैं। तो बस कल सुबह मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, 9 बजे, बाय।